हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं मुदित कुमार सिखा रहा हूं आपको ड्रुपलेट। ड्रुपलेट की आज की वीडियो में फ्रेंड्स काम करेंगे हम पेजिनेशन पे। और पेजिनेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम कभी अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमारे रिकॉर्ड्स बहुत सारे हो जाते हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि सारे के सारे रिकॉर्ड हम एक ही पेज पर पे शो कराएं। ठीक है, तो हम उसमें एक लिमिट सेट कर देते हैं कि हमें एक पेज पर पे 10 दिखाने हैं या 50 दिखाने हैं, इस तरह से। तो आज हम पेजिनेशन सीखेंगे कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, पेजिनेशन लगाने के लिए सबसे पहले हमें एम्प्लॉय कंट्रोलर वाली फाइल को ओपन करना है। देन जो हमने क्वेरी अपनी बनाई हुई है उसके अंदर हमें एक लिमिट सेट करनी है पहले तो। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक स्टेटमेंट लिखनी होगी। हमें स्टेटमेंट कहाँ लिखनी है, फील्ड्स और एग्जीक्यूट जो स्टेटमेंट है हमने लिखी हुई है उसके जस्ट बीच में। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम एक्सटेंड ड्रुपल कोर डेटाबेस क्वेरी पेजर सेलेक्ट एक्सटेंडर और लिमिट हम लगा देंगे 1। ठीक है, अब हमने इसको सेव कर दिया है। देन रिफ्रेश करके देखते हैं अपने पेज पे। इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक लिमिट हमने लगाई है तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड आ गया है। और अगर हम इसकी लिमिट यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 शो होने लगेगा, 2 शो होने लगा। ठीक है, तो अभी हम इसकी लिमिट कर देते हैं यहाँ पर 3। तो 3 हम ऐसे नहीं लेते, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं LIMIT। ठीक है, और ऊपर यहाँ पे हम एक वेरिएबल में लिमिट डिक्लेयर कर लेते हैं, यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं 3 में हमारे टोटल रिकॉर्ड दोनों के दोनों ही आएंगे। तो कुछ रिकॉर्ड हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं ऐसे ही टेस्ट करके डाल लेते हैं, टेस्ट 1 टेस्ट 1। तो 3 4 हम 5 6 रिकॉर्ड डालेंगे यहाँ पे इसी तरह से। ठीक है, टेस्ट 2 टेस्ट 2 देन टेस्ट 3। ये मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ जिससे आपको पेजिनेशन अच्छे से समझ में आए। टेस्ट 3 या 3 4 डाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 4 और एक और डाल लेते हैं बस, टेस्ट 5। तो हमने ये रिकॉर्ड डाल लिए हैं। अब हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे लिस्ट वाले को, तो देखिए यहाँ पे 3 ही रिकॉर्ड आ रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, हम यहाँ पे 15 की लिमिट लगाते हैं, तो हमारे अभी 15 रिकॉर्ड नहीं है बट हमारे सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे जितने भी हमने एंटर किए हैं। तो टोटल हमारे यहाँ पे 7 रिकॉर्ड हमने रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिमिट करते हैं 3 की लिमिट सेट करते हैं यहाँ पे, जिससे हम आपको पेजिनेशन दिखा सकें। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो हमने रिफ्रेश कर लिया। अब हमारे 3 3 के हमारे यहाँ पे बेसिकली 3 पेज आने चाहिए, 1 2 और 3, इस तरह से। ठीक है, तो उसके लिए हमें करना क्या है, अब आगे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और अपना यहाँ पर जो हमने ये अपना टेबल डिक्लेयर किया हुआ है यहीं पे हम बिल्ड, यहाँ लेंगे हम पेजर, इसका टाइप डिक्लेयर करेंगे सॉरी पेजर और ये बन सेव। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारा यहाँ पे पेजिनेशन नीचे डिस्प्ले हो जाएगा, देखिए ये हमारा आ गया। ठीक है, तो आप जब 2 पे क्लिक करेंगे तो आपके फर्दर टेस्ट जो 2 3 है, देखिए 3 4 5 ये आ गया है। और जब 3 पे क्लिक करेंगे तो इससे फर्दर जो भी है 5 6 जो भी आएंगे वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो पेजिनेशन आपका काम कर रहा है। बट आप एक चीज और मैं बताता हूँ इसमें, पेजिनेशन तो आपका सही काम कर रहा है। ठीक है, बट जो सीरियल नंबर है वो सही नहीं आ रहा है। ठीक है, बेसिकली सीरियल नंबर के हिसाब से यहाँ पे 7 होना चाहिए और यहाँ पर आपके रिकॉर्ड आना चाहिए 4 5 और 6, मतलब जहाँ 1 है वहाँ 4 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो इसको भी हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है, वो कैसे करना है वो थोड़ा अपना कोडिंग के हिसाब से करना पड़ेगा आपको। ठीक है,
इसको भी दिखा देता हूँ मैं करके आपको कि इसको कैसे सेट करेंगे। तो बेसिकली देखिए, जब हम पेज पे क्लिक करते हैं, जैसे हमने पेज पे क्लिक किया, तो देखिए ऊपर टॉप यूआरएल में देखिए यहाँ पे पेज करके आ रखा है, एक आपका क्वेरी पैरम्स आ रहा है यहाँ पर, इसको क्वेरी पैरम्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए पेज की वैल्यू 0 आ रही है, तो जब हम 2 पे क्लिक कर रहे हैं तो इसमें पेज की वैल्यू 1 आ रही है, 3 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेज की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। तो हमें इसको पकड़ना है पहले, इसके बिहाफ पे हम अपना ये सीरियल नंबर को मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो इस पैरम को गेट करने के लिए क्या हमारी स्टेटमेंट लिखते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहीं पे अपना काउंट के बाद यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, पैरम्स देन रिक्वेस्ट, हमारा एक फंक्शन है क्वेरी ऑल, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के थ्रू हमें क्या पता चलेंगे, अपने पैरामीटर्स। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना प्रिंट आर, और इसको एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए पैरामीटर्स आ गया है आपका page 1, ठीक है। तो अगर यहाँ पे और भी आपके मल्टीपल पैरामीटर्स आप लेते हैं, मीन्स क्वेरी पैरामीटर्स लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ टेस्ट इक्वल्स टू 1 2 3 और एंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपका सेकंड भी आ गया, ठीक है। तो हमें गेट करना है पेज को, ठीक है, ये एक एग्जांपल मैं आपको बताया है बस, ठीक है। तो हमें इतना कुछ नहीं चाहिए, हमारा सिर्फ यही पेज पेज से हमें काम करना है, ठीक है। तो हम करते हैं, अब इसको हटा देते हैं, हम इसको रिमूव कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम कंडीशन सेट करेंगे, इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे हम, और यहाँ पे लिखेंगे एम्प्टी, मीन्स अगर हमारा पैरामीटर्स, मीन्स जो भी हमारा पैरामीटर्स है वो अगर एम्प्टी है या फिर पेज इक्वल इक्वल्स टू अगर 0 आता है, तो जो हमारा काउंट है, ठीक है, उसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम इनिशियल वैल्यू 0 ले लेते हैं और यहाँ पे हम काउंट की वैल्यू को 1 कर देते हैं, ठीक है। काउंट की वैल्यू को हमने यहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है। एल्स पार्ट में हम करेंगे, इफ यदि हमारा पैरम ऑफ पेज इक्वल इक्वल्स टू अगर 1 है, देन काउंट प्लस जो हमारी लिमिट होगी, ठीक है, ये जो हमारी लिमिट है इसको हम यहाँ रख देते हैं। एल्स पार्ट में हमें लिखना है काउंट पेज, मल्टीप्लाई करेंगे हम लिमिट के साथ, ये मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको, ठीक है। यहाँ हम काउंट की वैल्यू प्लस प्लस कर लेते हैं, ठीक है। मैं एक एक स्टेटमेंट आपको बताऊंगा कि यहाँ पर मैंने काउंट 1 क्यों लिया, और यहाँ पे अगर पेज की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हमने लिमिट के साथ में प्लस क्यों किया पेज को, और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया, ठीक है। तो पहले अपना आउटपुट देख लेते हैं, देन मैं आपको इस पूरे कोड को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो एक बार पेज पे चलते हैं अपने और रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमारा पेज रिफ्रेश हो गया है, तो हमारे सीरियल नंबर बिल्कुल सही आ गया है, 456 आ गया है हमारा सेकंड पेज पे जब हम क्लिक कर रहे हैं, और थर्ड पेज पे हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारा 7 आ गया है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट पेज, और थर्ड पेज इसीलिए यहाँ पर हमारा 2 शो हो रहा है, ठीक है। तो मैं कोड को थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो देखिए जब हमारा पैरामीटर्स एम्प्टी होगा, मीन्स जब हमारा यहाँ पर ब्लैंक होगा, मीन्स हमारा यहाँ पे कोई क्वेरी पैरामीटर्स नहीं होंगे, तो ये एम्प्टी मिलेगा हमें। तो एम्प्टी मिलने के केस में या 0 मिलने के केस में क्या होगा, हमारा काउंट की वैल्यू 1 रहेगी, और फिर यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट होते होते, ठीक है, सीरियल नंबर की वैल्यू हमें दिखती रहेगी, ठीक है। और सेकंड स्टेट में हमने इफ के साथ में जो इस एल्स पार्ट लिया हुआ है, ये सेकंड स्टेट में क्या होगा, जब हमें पेज की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, जब हमारे पेज की वैल्यू 1, मीन्स जब हम 2 पे क्लिक करते हैं तो पेज की वैल्यू हमारी 1 होती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पेज के साथ में जो लिमिट है हमारी, इसको 3 को इसके साथ पेज के साथ में प्लस कर देगा, तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू हमें मिलेगी 4,
इस लिमिट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो हमारा 4 से इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा, 4, 5, 6 ऐसे आ गया। और जब ये थर्ड वाले पे होगा तो इसमें हमें यहाँ 7 मिल रहा है, तो इसमें ये क्या हो रहा है, पैरम जो ये पैरम पेज है इसमें हमें मिल रहा है 2। देखो ये हमें 2 मिल रहा है, और इस 2 के साथ में हमने लिमिट को मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 हो गया। और फिर हमने काउंट को दोबारा से यहाँ इंक्रीमेंट कर दिया, +1 इंक्रीमेंट कर दिया है, तो इसकी वैल्यू 7 हो गया है। तो फिर जितने भी आगे रिकॉर्ड होंगे 7, 8, 9, वो अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होते हुए चले जाएंगे और हमारा सारा एक्यूरेट चलेगा ये, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये मैंने इसलिए बताया था कि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है कभी कभी। तो सीरियल नंबर वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया है, इसमें पेजिनेशन के अंदर सीरियल नंबर भी हमने करके देख लिया है कि कैसे हमें सीरियल नंबर को सेट करना है अपने पेजिनेशन के साथ में, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय, टेक केयर।